नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका गाइड उज्ज्वल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गाइड फॉर टेक उज्ज्वल में। दोस्तों अब आप कॉलिंग एंड डाटा नहीं आप इस्तेमाल कर पाओगे, मतलब नहीं कर पाओगे कॉलिंग और ना ही आप कर पाओगे जो है वो डाटा का इस्तेमाल। बेसिकली जियो यहां पर बहुत बड़ा स्टेटमेंट जो है वो सामने लेकर आ रहा है और यहां पर हमें पता ये चला है कि अब बहुत जल्दी यहां पर जो है वो 2G एंड 3G नेटवर्क शट डाउन होने वाला है। तो पूरा अपडेट क्या है बताऊंगा इस वीडियो में, तो जाने के लिए बने रहिएगा वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले ये जो न्यूज़ है वो मैंने अपने चैनल पे दी थी कि 2G एंड 3G नेटवर्क जो है वो शट डाउन होने वाला, और उसके बाद अलग अलग फेमस आप कह सकते हो वेबसाइट्स के आर्टिकल जो है वो पब्लिश हुए थे। मतलब सबसे लेटेस्ट न्यूज़ आपको मेरे चैनल पे मिलती, तो इसके लिए यहाँ पर एक लाइक करना तो बनता है। अब अगर बात करते हैं आखिर में क्यों ऐसी खबरें निकल कर आ रही है कि 2G एंड 3G नेटवर्क जो है जो सर्विसेज हैं वो बंद होने वाली है, तो पूरा अपडेट यहाँ पर बेसिकली है क्या। तो ट्राई ने दोस्तों एक पेपर यहाँ पर चलाया था जो कि एक कंसल्टेशन पेपर था, और पेपर में यहाँ पर जो था वो किस रिगार्डिंग था, तो बेसिकली यहाँ पर जो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू 5G इकोसिस्टम, मतलब 5G इकोसिस्टम को और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए, तो इसके मतलब रिगार्डिंग सभी टेलीकॉम ऑपरेटर से राय मांगी गई। जहां पर जियो ने कंसल्टेशन के ऊपर यहां पर रिस्पांस करते हुए एक ऐसी राय दी है जहां पर जो है वी भी सहमत है जियो के साथ में। अब राय क्या है, राय यह है कि रिलायंस जियो चाहता है कि यहां पर गवर्नमेंट जो है वो 2G एंड 3G नेटवर्क को शट डाउन करने के लिए कोई नई पॉलिसी लाए और यहां पर सभी 2G एंड 3G यूजर्स को जो है वो आप कह सकते हो शिफ्ट किया जाए 4G एंड 5G यूजर में। क्यों? क्योंकि यहां पर अननेसेसरी यहां पर जो है वो 2G एंड 3G को चलाने के लिए, मतलब आप कह सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर को संभालने के लिए अननेसेसरी जो है वो कॉस्ट जाती है, और उस कॉस्ट को अवॉइड करने के लिए यहां पर जो है वो आप कह सकते हो ये स्टेप लेना चाहिए, ये जियो चाहता है, मतलब 2G एंड 3G नेटवर्क को बंद करना चाहिए। क्योंकि अभी भी जो है वो काफ़ी ऐसे यूजर्स हैं, मतलब ऑलमोस्ट अगर मैं नंबर की बात करूँ तो यहाँ पर 200 से 300 आप कह सकते हो मिलियन यूजर्स हैं जो कि अभी भी 2G एंड 3G नेटवर्क पे स्टक हो रखे, और ऐसे में वो यहाँ पर 4G 5G को अभी तक अडॉप्ट नहीं कर पाए, जहाँ पर वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं बीच में जो है वो रुकावट पैदा हो रही है उन यूजर्स की वजह से। क्यों? क्योंकि उनका मतलब बस कॉलिंग चल रही है एंड डाटा चल रहा है थोड़ा बहुत, उनको कॉलिंग से मतलब है, उन्होंने छोटा फ़ोन ले रखा है 2G नेटवर्क चल रहा है बस उसी में वो यहां पर जो है उसे यूज करते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर ऐसा होता रहा और अगर ज्यादा से ज्यादा लोग 5G पर अडॉप्ट नहीं होंगे या 4G पे भी शिफ्ट नहीं होंगे तो इकोसिस्टम यहां पर जो बिल्ड करने में है वो थोड़ी सी दिक्कत होगी। ऐसे में दोस्तों यहां पर लेगेसी नेटवर्क जो है जो 4G आप कह सकते हो और 5G तो न्यू है, लेकिन लेगेसी नेटवर्क जो है वो ये चाहता है जियो एंड वी भी यहां पर चाहता है कि ये शट डाउन कर दिया जाए। बेसिकली यहां पर आप कह सकते हो ट्राई ने जो आप कह सकते हो ये कंसल्टेशन पेपर चलाया है तो इसी के ऊपर इन्होंने अपना ओपिनियन जो है वो जियो ने दिया। जियो का कहना यह है कि यहां पर 5G का जो इकोसिस्टम है वो अलग अलग आप कह सकते हो अपॉर्चुनिटीज आपके लिए लाता है और बिजनेस को एक नए ग्रोथ में जो बिजनेसमैन है वो अपने बिजनेस को मतलब बढ़ा सकता है और ये बिजनेस को एक नया विंग्स देता है अलग अलग सेक्टर में, चाहे वो हॉस्पिटल हो या आप कह सकते हो कार्स जो आ रही हैं उनमें आप कह सकते हो 5G का बहुत इस्तेमाल हो रहा है, रोबोटिक्स आप कह सकते हो AI में 5G का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, और ये इकोसिस्टम तभी बिल्ड होगा जब यहां पर सभी लोग 4G 5G में शिफ्ट होंगे। क्योंकि 5G में हमें यहां पर कह सकते हो हाई स्पीड इंटरनेट मिलता है और बहुत से हमें अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं जो कि हमें 2G एंड 3G में कभी नहीं मिल सकता है। वोडाफोन आइडिया भी यहां पर जो है वो यही बात कह रहा है कि वो जियो के साथ सहमत है और वोडाफोन आइडिया भी यही चाहता है कि यहां पर जितने भी जो 2G 3G यूजर्स हैं उनको आप कह सकते हो शिफ्ट किया जाए 4G एंड 5G में। हालांकि वोडाफोन आइडिया का ये भी कहना है कि यहां पर जो 5G स्मार्टफोन या 4G स्मार्टफोन की कॉस्ट है वो थोड़े से हाई है, ऐसे में जो 2G एंड 3G यूजर्स हैं वो एक ऐसे आप कह सकते हो ग्रुप से आते हैं जहां पर वो आप कह सकते हो महंगे 4G स्मार्टफोन या 5G स्मार्टफोन नहीं खरीद सकते। अगर 4G अभी भी देखो तो यहां पर जो है वो फोन जो है वो थोड़े महंगे देखने को मिलते हैं, ऐसे में वो स्मार्टफोन अभी बाई नहीं कर सकते। तो वोडाफोन आइडिया ने भी कहा है कि यहाँ पर स्मार्टफोन की प्राइसेस भी कहीं ना कहीं जो है वो 2G एंड 3G यूजर्स को रोकती हैं शिफ्ट होने के लिए एक स्मार्टफोन में और 4G 5G नेटवर्क को अडॉप्ट करने के लिए, तो ये भी यहाँ पर वी का कहना है। हालांकि यहाँ पर आपको पता है कि जियो ने इसको भी आसान किया और 999 रुपये में एक 4G जियो भारत फोन जो है वो लॉन्च किया फीचर फोन, जहाँ पर इंटरटेनमेंट के साथ साथ 4G सिम चल रहा है। तो मतलब जियो तो कोशिश कर रहा है, लेकिन जियो का कहना यही है कि वो चाहते हैं 2G मुक्त भारत बनाना, मतलब 2G मुक्त भारत हो, और वी भी यहां पर जो है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है जियो को। जियो का यहां पर सपोर्ट ये कर रहा है कि हाँ वो सहमत है कि जियो सही कह रहा है, ऐसा करना चाहिए तभी 5G इकोसिस्टम जो है वो और तेजी से बढ़ पाएगा और इंक्रीज यहां पर जो है वो हो पाएगा। क्योंकि 5G के यहां पर कह सकते हो बहुत सी आप कह सकते हो जो है बेनिफिट्स हैं अलग अलग सेक्टर में, और कहीं ना कहीं अगर हमें और इंक्रीज करना है 5G के इकोसिस्टम को और हमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को और हाई स्पीड में लेके जाना है तो 5G 4G को अडॉप्ट करना ही होगा। लेकिन यहां पर ये काफी बड़ा चैलेंज है कि 2G एंड 3G यूजर्स को शिफ्ट करना 4G एंड 5G में।
हैं। यहाँ पर जियो ने एक और यहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट से आप कह सकते हो डिमांड की कि 5G कनेक्टिविटी को और हाई आप कह सकते हो लेवल को पहुँचाने के लिए गवर्नमेंट को यहाँ पर जो है वो और भी ऑक्शन करना चाहिए स्पेक्ट्रम जो है बैंड्स का, जैसे कि 6 GHz बैंड का, फिर फुल सी बैंड, फिर 28 GHz बैंड, ई बैंड एंड वी बैंड, मतलब और 5G नेटवर्क को आप कह सकते हो बूस्ट करने के लिए ज़रूरी है इन स्पेक्ट्रम का ऑक्शन भी जल्द से जल्द। तो यहाँ पर आप बताइए दोस्तों, आप क्या सहमत हो यानी जियो के मतलब कह सकते हो इस जो है वो राय से कि मतलब 2G 3G को बंद करना चाहिए। आपको बता दूं कि 2G और 3G के प्लान कंपेरेटिवली यहाँ पर जो है वो 4G 5G से सस्ते हैं। कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न है कि जो लोग हैं वो आप कह सकते हो यूज़ कर रहे हैं अभी तक 2G और 3G नेटवर्क। आपको पता है कि BSNL अभी तक जो है वो 4G सर्विसेज अपनी लॉन्च नहीं कर रखा है, मतलब अभी भी यहाँ पर लॉन्च कर रहा है लेकिन हाँ उनका बहुत कम आप कह सकते हो अभी टारगेट है टावर्स को इंस्टॉल करने का। ऐसे में यहाँ पर जो ज़्यादा आप कह सकते हो नंबर्स ऑफ यूजर्स हैं उनके वो 2G और 3G नेटवर्क से बिलोंग करते हैं, BSNL की मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ। ऐसे में अगर सरकार ऐसी आप कह सकते हो जो है वो डिसीजन लेती है, अगर ऐसा डिसीजन लेती है तो BSNL को एक बहुत मैसिव आप कह सकते हो इम्पैक्ट पड़ने वाला, मतलब बहुत खतरनाक उनका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि भैया उनका जो मतलब ज़्यादा जो बेस है वही कम हो जाएगा, तो BSNL यहाँ पर थोड़ा बहुत दिक्कत में आ सकता है। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि अभी तो ये ट्राई मतलब कंसल्टेशन के ऊपर टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने राय दिया है और अभी तक एयरटेल का ऐसा कोई जवाब सामने नहीं निकल कर आया, लेकिन हाँ वी सहमत है जियो से। अब आप कमेंट करके बताओ दोस्तों क्यों यहाँ पर जो है वो 2G 3G नेटवर्क को बंद करना ज़रूरी है, और क्या आप मतलब सहमत हो जियो की बात से कि हाँ जियो सही कह रहा है, वी भी यहाँ पर सही कह रहा है कि यहाँ पर जो 2G नेटवर्क है 3G नेटवर्क है उसे बंद करना चाहिए। आप दोस्तों यहाँ पर जो है वो इस मुहिम को आप कह सकते हो थोड़ा सा बढ़ावा दे सकते हो, अगर आपके घर में जो फैमिली में मेंबर्स हैं या फादर मदर अगर अभी आपके 2G 3G नेटवर्क को यूज़ करते हैं तो उनको जियो का जो जियो भारत फोन है वो दे सकते हो, ताकि वो अपना एक रिचार्ज करके सस्ता वाला 1-3 rupees का एक प्लान है जियो भारत के अंदर वो रिचार्ज करके 4G में एटलीस्ट वो शिफ्ट हो सके, क्योंकि 2G 3G नेटवर्क अब यहाँ पर जो है वो शट डाउन हो सकता है, मुझे भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है इसको चलाने के लिए कॉस्ट जा रही है जो कि अननेसेसरी कॉस्ट है और उसे अवॉइड करना ही पड़ेगा। देखते हैं दोस्तों सरकार कैसे इस चीज को जो है वो आप कह सकते हैं सॉर्ट आउट करती है, क्या नई पॉलिसी लाती है, नए रूल्स लाकर यहां पर जो है वो धीरे धीरे 2G 3G को आप कह सकते हो मतलब जो है वो अपग्रेड करती है 4G और 5G यूजर्स में। यहां पर आपको ये बताना चाहूंगा कि जब भी 2G और 3G नेटवर्क को जो है वो मतलब यूजर्स को जो है वो शिफ्ट किया जाएगा 4G 5G में, तो यूजर्स को थोड़ा टाइम भी दिया जाएगा ताकि वो शिफ्ट हो सके इजिली 4G और 5G नेटवर्क के ऊपर, तुरंत बंद नहीं किया जाएगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कॉलिंग एंड डाटा तुरंत बंद हो जाएगा 2G और 3G नेटवर्क के ऊपर, तो ऐसा नहीं है, धीरे धीरे करके आपको शिफ्ट किया जाएगा। आप कमेंट करके बताएं दोस्तों आपकी क्या राय है, 2G 3G नेटवर्क बंद होना चाहिए या फिर नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। फिलहाल के लिए जय हिंद वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।